सकते हैं ना, मैं अपनी दीदी को देख कर तो उनसे मिल के लगभग 4 बज रहे हैं, कथा जो है वो 3 बजे शुरू हो जाती है, लेकिन हम अभी जा रहे हैं कथा पंडाल में। आप लोग बने रहना हमारे साथ, वीडियो पूरा वहाँ पे दिखाएंगे आप लोग। धर्म मार्ग नहीं होता, वो यश के लिए होता है, उससे आपको यश मिलेगा। बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन धर्म की प्राप्ति करनी हो, अपना धर्म बढ़ाना हो, पुण्य बढ़ाना हो, चल रहे पंडाल में, आप लोग बने रहना, बड़ी दीदी से मिल के आ रहे हैं, वहाँ का पूरा वीडियो दिखाएंगे। ये है बड़ी दीदी के जेठानी की भतीजी है कंचन, तो हमारी भतीजी, हम लोग साथ में जा रहे हैं, कथा थोड़ा कथा का भी श्रवण कर ले, उसके बाद पूरा वीडियो दिखाएंगे। वीडियो को छोड़ के मत जाना, और शाम को सीधा यहीं से अपने घर चले जाएंगे। चलिए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम और हमारे दीदी के साथ में जा रहे हैं भागवत कथा सुनने। ये हैं हमारी मजली दीदी और पंडाल कथा, या पंडाल यहाँ पर काफ़ी दूर है, आप लोग देख सकते हैं। और ये दीदी की जो जेठानी है, उनके भाई की लड़की है कंचन, तो हम लोग साथ में जा रहे हैं। पहले हम 2:30 के लगभग दीदी के यहाँ पहुँच गए थे। हमारी बड़ी दीदी की तबीयत इस बार बहुत ज़्यादा, कथा नहीं सुन पाई, ख़राब हो चुकी है, बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो हम पहले दीदी के यहाँ गए हैं। कथा 3 बजे शुरू हो जाती, लेकिन हम पहुँचे हैं पंडाल में लगभग 4 बजे। दीदी को छोड़कर आने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, लेकिन हम कहे चलो आए हैं यहाँ पर तो कथा भी सुन लेते हैं, थोड़ा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देंगे। एक ही दिन इस बार हम आए थे कथा सुनने के लिए। पालने में झूला झूल रहे हैं और पूतना पहुंच गई। ये पूतना कौन है जो रंग में भंग करने पहुंच गई है? पूतना के विषय में वर्णन आता है शास्त्रों में कि पूतना पूर्व जन्म की कोई ऐसा वंश आचार्य श्री राम शर्मा जी महाराज कहा करते थे, वेदों की ओर, ज्ञान की ओर, मर्यादा की ओर, एक दिन लौटना ही पड़ेगा। बिगड़ के लौटे, पछता के लौटे तो क्या लौटे, अभी समय है, सुधरिए। लौटे
वीरवान आप लोग यहाँ पर देखते हैं हमारे यहाँ माननीय श्रीमती मेनका गांधी जी पधारी हुई हैं, जो कि भाजपा की प्रत्याशी हैं। अब क्या है मुझे पूरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन भाजपा से ही हैं। यहाँ पर देखिए इनके सारे जो भी साथ में रहते हैं बॉडीगार्ड, मतलब क्या ही बोलते हैं, मुझे ज़्यादा कुछ इन सब विषय में जानकारी नहीं है। लेकिन आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा मुस्कुराता हुआ चेहरा, मुझे मतलब बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मैं इनको देख रही हूँ, जो कि सिर्फ नाम ही सुना था बचपन से। अभी तक मैंने कभी किसी को फोटो के सिवा कभी भी नहीं देखा था, लेकिन आज मेरा भी सौभाग्य था कि इस भागवत कथा में जो है मेनका गांधी जी के दर्शन हुए। लेकिन मैंने एक चीज़ ये नोटिस किया कि जो पैसे वाली पार्टी होती है, लोग जो है बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाते हैं, भगवान अगर 2 रुपया दे देते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं ये जो बगल में बैठी हुई है मेरी बुआ है, मेरे बुआ की बेटी है अनारा बुआ जी, दीदी मतलब लगती हैं, दीदी क्या बुआएं लगेंगी, बुआ की बेटी हैं हमारे बाबूजी के बहन की। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं बैठी हुई हैं, कितना प्यारा समय लग रहा, कितना अच्छा। 11,000 रुपये कुमारी जी भूटी सिंह जी कोलकाता 5100 रुपये, कृष्णा अग्रहरी जी रसिया 5100 रुपये, कस्तूरी मिष्ठान भंडार नवाबगंज से संजय जी 11,000 रुपये, खुशवंत यादव जी 5100 रुपये, राम अनुज जी 1100 रुपये, अनिता महतो छत्रवंग दरभंगा 11,000, भुटेली राय सरिया देवरिया 11,000, विजय शंकर पांडे जी दिल्ली 11,000, राजकिशोर सिंह जी कुशीनगर 5100 रुपये, संगीता नांगलिया। नन्हे नन्हे बच्चों के सामने चाय और दूध रख दीजिए तो चाय पियेंगे, दूध नहीं पियेंगे। भगवान सच्चे चाउमीन बर्गर पिज्जा दूध से संबंधित कोई चीज हो तो ऐसा मुंह बनाने में भूल लगेगी उन्हें, तभी तो भगवान श्री कृष्ण समाज के लिए कुछ कर, तभी तो दैत्यों से लड़ पाए। दूध दही से वीरता आती है ना, और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण माँ के द्वारा डांटे जाते हैं। तो कन्हैया ने सोचा कि अब माखन नहीं चुरा के खाना है, अब मिट्टी खाना है। भगवान के द्वारा मिट्टी खाने वाली लीला है ये, बहुत प्यारी लीला है, बहुत सांकेतिक लीला है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कथा जो है संपन्न होने वाली है, आ रहा है 56 भोग, घर के सभी लोग लेके आ रहे हैं, आज 56 भोग है। और यहाँ पर आई हुई थी हमारे भाजपा की प्रत्याशी मेनका
गांधी जी जिनसे मुलाकात हुई, बहुत ही अच्छे से मुलाकात हुई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था सपने में कि इनसे मेरी मुलाकात होगी आमने सामने से। मैंने फ़ोटो भी खिंचवाया उनके साथ में, जो है बहुत ही अच्छा लगा। मतलब जिस चीज़ को आप कभी सोच नहीं सकते, अगर वो चीज़ अचानक हो जाती है तो कितना अच्छा फील होता है, आप समझ ही सकते हैं। ये पंडाल है, पूरा पंडाल एकदम भरा हुआ है, सारे लोग कथा सुन रहे हैं, हमारे महाराज जी कथा सुना रहे हैं। मतलब कथा तो अब इनकी क्या ही बताएं, बहुत बहुत अच्छी रहती है। दो बार आ चुके हैं नौगवा ग्राम सभा में कथा सुनाने के लिए, तो बहुत ही प्यारा दृश्य। मैं एक ही दिन इस बार आई हूँ, अगली बार मैं दो दिन गई थी कथा सुनने के लिए। इस बार मेरी तबीयत नहीं ठीक और टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए एक बार आई। मेरी दीदी की तबीयत ख़राब थी, उनसे मुलाकात हुई, फिर इसके बाद हमने कथा सुना, कथा को पूरा श्रवण किया। अब इसके बाद होगी आरती। आरती में सारे लोग इकट्ठे खड़े हो जाते हैं, फिर वीडियो बनाना मुश्किल हो जाता है। प्रसाद लेके हम सीधा अपने घर चलेंगे। कृपया आप लोग वीडियो को